किस्सा कुर्सी का। चल जमुरे बजा दो पेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादों नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ जैसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं, फरेब। फिर झूठ जैसा फरेब शुरू। नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान चुनावों पर हमारी खास कवरेज के तहत इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में। और आपको बता दें, जिस जगह पर मौजूद हैं, ये जगह वाकई काफी सुंदर है। अरावली पहाड़ियों की श्रृंखलाओं से ये जगह घिरी हुई है। लेकिन अब देखेंगे कि जो जनता यहाँ पर खेतड़ी विधानसभा की मौजूद है, वो जनप्रतिनिधियों को अपने सवालों से कितना घेरती है और उन सवालों का जवाब जनप्रतिनिधि किस तरीके से देते हैं। जनता मौजूद है और तमाम जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम परिचय आपको करा देते हैं। स्वतंत्र कसारा जी हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश कांग्रेस मजदूर प्रकोष्ठ के। साथ ही श्रवण जी मौजूद हैं, मंडल प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे। और साथ ही दाताराम जी मौजूद हैं, धर्मपाल जी मौजूद हैं और रणवीर सिंह गुड्डा जी मौजूद हैं, लोजपा की ओर से कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए। जनता मौजूद है और साथ ही जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और साथ ही इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं भी हैं। जनता उन समस्याओं को उठाएगी, लेकिन आपको बताएं कि इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, जितेंद्र सिंह जी से लगातार हमारी बातचीत हुई। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वो इस कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक 20 मिनट पहले उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। शायद समस्याएं ज्यादा हैं, शायद उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे, लिहाजा फोन स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन आपको बताएं, आश्वासन उन्होंने दिया था कि वो इस कार्यक्रम में जरूर आएंगे। सबसे पहले श्रवण जी आपसे, क्योंकि आप कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे, जितेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम में आए क्यों नहीं? वैसे कोई विशेष काम के कारण से नहीं, सारे जवाब मैं दे दूंगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मंत्री हैं और अगर उनके मंत्रालयों की फेहरिस्त अगर देखी जाए तो मुझे कागज पर लिख के आना पड़ा, ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भूजल, सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय, इतने मंत्रालय हैं। लेकिन बावजूद खेतड़ी विधानसभा अंधेरे में है, पीने का पानी नहीं है, तमाम समस्याएं हैं, सवालों के जवाब देने से वो बचना चाह रहे थे। आज राजस्थान में विद्युत कोई कमी नहीं और खेतड़ी में तो 24 घंटे लाइट आती है। पूरे 5 साल में जब से मंत्री जी बिजली के मंत्री बने, पूरे राजस्थान में एक भी आंदोलन नहीं हुआ। कम्युनिस्ट वाले 5 साल में 25 आंदोलन करते, लेकिन एक भी निवेश, मतलब ये हुआ कि हमने बिजली के क्षेत्र में पूरा काम किया है, कोई समस्या है ही नहीं है। जनता बताएगी कि वाकई में जो श्रवण जी ने कहा वो सही था या गलत था। क्या वाकई में जितेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम में जानबूझकर नहीं आए, सवालों से बचना चाह रहे थे, ये जनता जवाब देगी। क्योंकि आखिर में जितेंद्र सिंह जी जब वोट मांगने आएंगे तो यही जनता उन्हें वोट देगी। आप बताइए, क्या जितेंद्र सिंह जी जानबूझकर इस कार्यक्रम में नहीं आए, सवालों से बचना चाह रहे थे, या वाकई में काम किया है उन्होंने? कुछ भी काम नहीं किया डॉक्टर साहब ने। लोग आ गए, एक हेडपंप खेत में लगा दियो, अपनो पर्सनल भरो और बाकी की जनता दुख पा रही है, त्राईमान कर रही है, सारी झूठ है। डॉक्टर साहब आ रहेगा एक आने पे कौन आया? चलिए, कार्यक्रम में नहीं आए डॉक्टर साहब, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप बताइए, क्या इस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह जी आखिरकार क्यों नहीं आए? लेकिन जो सवालों का जवाब है, राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनको आना चाहिए था, जब आश्वासन भी उन्होंने दिया था। एक बात बताओ, ये खेतड़ी का है, पूरे जिले का? हम पूरे इस एरिया को कवर कर रहे हैं, झुंझुनू पूरे क्षेत्र को कवर कर रहे हैं और जितेंद्र सिंह जी से बातचीत हुई थी, आश्वासन उन्होंने दिया था। चलिए, और भी जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और जानना चाहेंगे क्या इस क्षेत्र में समस्याएं हैं, क्या पीने का पानी यहाँ पर मौजूद है, क्या बिजली आती है?
बिल्कुल 24 घंटे बिजली आती है, पीने का पानी बिल्कुल मौजूद है। पीने का पानी मौजूद है, आप बताइए। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पीने के पानी के लिए मेरे अभी एक भाई साहब ने कहा पीने का पानी है। जितेंद्र सिंह जी हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनको एक गिलास ये पानी पिला के दिखाओ, ये वो पी सकते हैं क्या? इन्होंने ये स्कीम बनाई है 2016 की कि 2016 में पानी आएगा, तो 16 तक तो हम सारे मर जाएंगे, फिर पिएगा कौन इसको? और आपको ये भी बताया कि जानकारी जो मिली, जानकारी जो हम तक पहुंची, वो जानकारी ये कि वो निमका थाना में अपने आवास पर ही वो संभवतः मौजूद थे जब उन्होंने आश्वासन दिया था इस बात का कि वो इस कार्यक्रम में आएंगे, सम्मिलित होंगे। सतेंद्र कसारा जी प्रदेश कांग्रेस मजदूर प्रकोष्ठ से हैं, आप कई बार आपने आवाज बुलंद की है कांग्रेस के खिलाफ भी, जिस तरीके से जितेंद्र जी इस कार्यक्रम में नहीं आए, पहले प्रतिक्रिया उसके बाद कुछ सवाल आपके लिए भी। देखो, मैं कभी भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं कांग्रेस की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और कांग्रेस के कफन में जाऊँगा। डॉक्टर जितेंद्र सामंती परिवार से है, खेतड़ी देश आजाद हो गया अभी भी गुलाम है। बड़े लोग यहाँ आते हैं, बड़े नेता पैसे लेकर के बड़े लोगों को टिकट दे करके भेज देते हैं, जिनको हमारे दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि खेतड़ी में बहुत पानी है, बहुत पानी है, शीशरा मौला को 100 साल हो गए पानी लाते, एक बोतल नहीं लाया। और जितेंद्र ने रात में भी जाकर के पत्थर लगाए हैं। नहीं, लेकिन आपने कुंभाराम जल परियोजना को लेकर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं। बिल्कुल ये फर्जी है, चुनाव के टाइम पे धोखा है, बरगलाने का है। 25 साल से इस परिवार को, एक ही परिवार को कांग्रेस टिकट दे रही है, इसने आज तक कुछ नहीं किया। मैं इतिहास में ले जाना चाहूंगा आपको कि 93 में इन्होंने पोलो ग्राउंड में अपना भाषण दिया था, जब कहा था मैं तो साधु हूँ, साधु सेवा करने आया हूँ, उन्हें मुझे बेटी की डोली उठानी है, बेटे की बारात चढ़ानी है। इसने बेटी की डोली भी उठाई, बेटे की बारात भी चढ़ाई, लेकिन यहाँ के युवाओं को आश्वासन दिया था कि मैं खेतड़ी नगर में CSF का सेंटर भर्ती खुलवाऊंगा, वो नहीं खुलवाया। डॉक्टर जितेंद्र जी कह देते हैं उसी टाइम काम हो जाता है, इसलिए उनको काम करने की जरूरत नहीं, उनके दिमाग में ऐसी बात है। और खेतड़ी के लोग अभी तक ठगे जा रहे हैं, उस ठग से अगर नहीं समझेंगे तो सदा के लिए गुलाम रहेंगे, देश आजाद होगा। अभी तक आप पिछले 5 सालों से या उससे पहले से? पहले से ही, पहले से, जिस दिन से आया उस दिन से झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। चलिए, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस वक्त सूबे में कांग्रेस की है। दाताराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम समस्याएं हैं, पीने का पानी लोगों के सामने नहीं है, कुंभाराम जल परियोजना की बात हुई, लेकिन सियासत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये पानी इस क्षेत्र के अगर प्रतिनिधि को पिलाया जाए वो पी ले तो वो माने। पिछली वसुंधरा राजे की सरकार, जो सरकार थी हमारी 2003 से 8 के बीच में, उस समय खेतड़ी में करीबन 8-9 बड़ी पेयजल स्कीमें हमने शुरू करवाई थी। उन स्कीमों को भी इस सरकार ने आते ही जो पूरी हो गई थी, उनके अलावा 3-4 बच्ची हुई थी, सबको बंद करवा दिया। खेतड़ी की पानी के सॉल्यूशन के लिए हमने गोठड़ा नानू वाली बावड़ियों और ये अपने नंगली सलेदी सिंह के नाम से 5.5 करोड़ की स्कीम स्वीकृत करवाई थी, स्वीकृत हो गई थी, उसका 40% पैसा लग भी गया था। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार आई, उस स्कीम को ही कैंसिल कर दिया। अगर वो स्कीम बन जाती तो निश्चित रूप से खेतड़ी शहर को और इन 3 गांवों को पानी की पूरी उपलब्धता हो जाती। अब एक ही मंत्री के पास में 2 विभाग हैं, बिजली और पानी, और दोनों विभाग होने के बावजूद खेतड़ी में शहर में 7-7, 8-8 दिन से पानी आता है। तो क्या आप लोगों ने आवाज बुलंद की, आप क्षेत्र की जनता के साथ सड़कों पर उतरे? बिल्कुल, इसके लिए अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए, धरने भी दिए और लोगों ने खूब आवाज उठाई, लेकिन आवाज उठा के भी लोग थक गए कि किसको कहे। जनता उसी को कहती है जो इसकी आवाज को सुनता है। धर्मपाल जी, ये भी कहा जाता है कि आवाज में संभवतः इतनी ताकत नहीं थी, अगर आवाज बुलंद होती और आवाज में अगर दम होता तो निश्चित तौर पर उस आवाज को जितेंद्र जी भी सुनते और सरकार भी सुनने के लिए मजबूर होती। इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं पहले तो पूरे प्रोग्राम को ही आपके को, कि जनता के प्रतिनिधि का जनता के दरबार में ना आना ही उसकी सफलता या असफलता का कारण।
जनता के सामने जो प्रतिनिधि नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ उसको जनता में रहने का या दोबारा आने का या राज्य में रहने का कोई वो नहीं है। और ये मैं आपको बता दूँ, पूरी जनता को बता दूँ कि हमने आंदोलन किए हैं सड़कों पे, हमने खुद ने हमारे नेतृत्व में एक ऊँट गाड़ी रैली की थी जो हरियाणा सीमा से हमारे जो यहाँ पे आती है सड़क, उसके लिए ऊँट गाड़ी रैली की। हमने ये प्रदर्शित किया कि यहाँ पर वाहन चलने लायक नहीं है, ऊँट गाड़ियाँ चलने लायक भी रोड नहीं है, और उसके फलस्वरूप ये रोड बना। हमने आवाज़ उठाई और गोठड़ा के अंदर हमने पानी की आवाज़ उठाई, जिस पर हमने खुद में मुकदमे झेले। मेरे खुद के 4 मुकदमे इसमें खेतड़ी में चल रहे हैं जन आंदोलन के, जो पानी और बिजली की है। मेहाड़ा पावर हाउस का हमने घेराव किया, उसके हमारे मुकदमे चल रहे हैं। तो हमने जब आंदोलन उठाए, हमने आवाज़ उठाई है और जनता ने साथ दिया है और उसका प्रतिफल भी हमको मिला है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि खेतड़ी में यहाँ ऊर्जा मंत्री या जलदाय मंत्री नहीं है, यहाँ के मंत्री का नाम है घोषणा मंत्री, जो रिबन और कैंची लेके घूमता है और शिलान्यास के पत्थर भी अपनी गाड़ी में रखता है। ये प्रत्यक्ष गवाह है जो ये जनता बैठी है और 20 साल से इस चीज को भुगत रही है जनता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये दुर्भाग्य इस खेतड़ी की जनता का, जो किसान वर्ग की तहसील है, 95% यहाँ किसान वर्ग की जनता है और किसानों का यहाँ नेता नहीं है। आपके पास आएंगे रणवीर सिंह गुड्डा जी भी हमारे साथ मौजूद है और काफी आपने आवाज बुलंद की है। रामविलास पासवान, चिराग पासवान को भी आपने आमंत्रित किया था, एक बड़ा आंदोलन चलाने की आपने कोशिश की थी। लगता है कि आपको जनता का सहयोग मिलेगा यहाँ पर? देखिए, जनता का निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा, लेकिन यहाँ जो विरोध हो रहा है कांग्रेस सरकार का, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के ऊपर 22,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन 5 साल में कांग्रेस ने बीजेपी के किसी विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री की किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करवाई। और ये जाहिर तौर पर है कि अगर ये जो पिछली सरकार इस कांग्रेस को बचाती है, कांग्रेस बीजेपी को बचाती है, तो आपने ये दो ही पार्टियां का सिंबल यहां पर पेश किया है। निश्चित रूप से पिछले 5 साल में जो पूर्व विधायक बीजेपी के थे और आज 5 साल से कांग्रेस के यहां पर मंत्री है। लेकिन यहां पर आपको बता दूं, इस खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के जसरापुर गांव में एक दलित का सर काट करके कुएं में डाल दिया, उसका सिर अभी तक बरामद नहीं हुआ। 2 महीने होने को आए, अभी तक SP DSP किसी ने भी किसी की गिरफ्तारी नहीं करी। अपराध एक बड़ी समस्या है, लेकिन जितेंद्र सिंह को फिर से टिकट मिला है, कांग्रेस की ओर से फिर से चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, जितेंद्र सिंह तो जा चुके हैं यहाँ से, जितेंद्र सिंह की यहाँ से हार हो चुकी है, कांग्रेस की हार हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर भाजपा ने पूरे अलॉटमेंट कर दिया, पूरी खेतड़ी के आसपास के हिल्स का, यहाँ पर अवैध जो है सारा कारोबार चलता है, अपराधियों की यह शरण स्थली बनी हुई है। खेतड़ी में जो कुमार राम जी की योजना का जो शिलान्यास जो मंत्री और मुख्यमंत्री ने किया है, ये 5 साल कहाँ चले गए थे? 5 साल जब खत्म हो गए, आचार संहिता लगने के मात्र 5 दिन बचे थे, तब इन्होंने यहाँ पर आनन फानन के अंदर जो ये शिलान्यास किया 950 करोड़ कुमार राम जी की योजना का, जो आज तक अभी तो जगह का भी सर्वे नहीं हुआ है। अभी तक जगह का भी सर्वे नहीं हुआ है। और रणवीर सिंह गुड्डा जी ने एक जो बड़ी समस्या उठाई वो ये कि अपराध इस क्षेत्र में बढ़ा है, अवैध खनन बढ़ा है, और सीधे तौर पर कांग्रेस से इसका जवाब। और सबसे पहले कसाना साहब आपसे, सूबे में आपकी सरकार है, प्रतिनिधित्व आपका है, उसके बावजूद जो जनता है वो अपराध बढ़ रहा है, क्राइम लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे त्रस्त है जनता। देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल पे आ चुका हूँ और अपराध की बात को ही मैंने प्रमुखता से उठाया था। जितेंद्र ने जितने भी खेतड़ी के गुंडे थे वो सारे चुनाव जीतने के लिए हायर कर लिए हैं, और मैं आपके चुनाव पे आ चाहे वो बाइट चला के दिखा दीजिए आप। हर महीने यहाँ एक मर्डर होता है, आम आदमी मरने वाला होता है, आम मारने वाला होता है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। क्यों? न तो खास मरने वाला है, न मारने वाला है। और जितेंद्र जी आपस में अंग्रेजों की तरह कर रहे हैं यहाँ। अंग्रेजों ने 200 साल, अभी आप जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ जी, पहले भी दे चुका हूँ, मैं बाई नेम दे रहा हूँ, पैसे दे करके टिकट लाता है। ये तो खेतड़ी की जनता की गलती है, कैसे नालायक आदमी को चुनती है जो पैसे देकर जनता के पास चलेंगे। और कसाना जी, प्रदेश कांग्रेस मजदूर प्रकोष्ठ के हैं और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने संभवतः ये कहा था कि कभी वो जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन जब अपराध का मुद्दा उठा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पूरे एरिया में अपराध है। क्या आप जब सड़क पर निकलते हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर अपराध निश्चित रूप से है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार इस क्षेत्र को व्यवसायीकरण बना लिया है। यहाँ का डिप्टी रहते हुए अवैध खनन यहाँ से कर रहा है, परशुराम मोरदिया यहाँ पर अवैध खनन कर रहा है, उनकी सबकी मिली भगत के कारण से इस क्षेत्र में यह अपराध फैल रहा है।
जिसको न तो कोई प्रशासन उसको रोकता है न कोई और कोई दूसरा रोकता है। निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन मिलकर इस पूरे क्षेत्र को व्यवसायी करते ये गुंडा राज चला रहे हैं। क्षेत्र का व्यवसायीकरण किया जा रहा है और नतीजा ये निकल रहा है कि अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या आप लोगों ने कभी आवाज बुलंद की क्या, जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, अवैध खनन बढ़ता जा रहा? बहुत बहुत बार आंदोलन हुए हैं और डॉक्टर साहब का प्रशासन का सारा मिलीभगत हुई हुई है यहाँ पे, और प्रशासन बिल्कुल पंगु है, पैरालिसिस हुआ हुआ है, खुद के रिश्तेदार ला करके SDM बैठा दिया यहाँ पे उनका, यहाँ पे SDM जो है ये डॉक्टर साहब का खुद का रिलेटिव है, उस पर भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा नहीं है। पार्टी में यहाँ क्षेत्र में पानी की भयंकर प्रॉब्लम है, एक ही कार्यक्रम में इसी आज तक क्षेत्र में विकास नहीं किया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ा कारखाना या। और देखिए ये इस वक्त जो सवाल उठाए गए हैं जनता को लेकर, जो सवाल उठाए गए हैं, ये सवाल इस वक्त सूबे की सरकार संभवतः ये सत्ता में बैठे लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे किस तरीके से अपराध को लेकर आवाज उठाई गई, तो उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर हंगामा किया गया, ये आप उन नेताओं से पूछिए। हम आपके पास भी आएंगे प्रोग्राम आपके पास भी आएंगे, आप खड़े तो होइए, बिल्कुल आएंगे, आप खड़े तो होइए, आपके पास भी आएंगे हम, आप खड़े तो होइए, आपके पास भी, अरे आपके पास भी आएंगे हम, आपके पास भी आएंगे हम, आपकी भी बात सुनेंगे हम। अरे जी आपकी भी बात सुनेंगे, ये हेलो माननीय मंत्री महोदय ने एक सोच समझ ताल के तहत विरोध कर रहे हैं, आपकी भी बात सुनेंगे, विकास के कामों में आपकी भी बात सुनेंगे, सबकी बात सुनो ना, आइए आपकी भी बात सुनेंगे, पहले इनको कहिए, हम कह रहे हैं तो पहले इनको कहिए, हाँ बिल्कुल निष्पक्ष हो गए, आप आइए, आप इनको बोलिए पीछे, मैं आप हमारे भाई, हेलो ये पार्टी का मंच नहीं है सत्यनारायण जी किसाना से, आप जिस तरीके से आप कमेंट कर रहे हैं वो पार्टी मंच पे उठानी चाहिए थी बात, वो अपने आप को OBC प्रकोष्ठ का बता रहे हैं यहाँ तो, आइए आइए आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हंगामा, हम आपकी भी आवाज सुनेंगे, आ रहे हैं आपके पास, हम आएंगे सबके पास आएंगे, हम आपकी आवाज सुनेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को आप चलने दीजिए, कार्यक्रम इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता है, हम आपकी भी बात सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, तो आ तो रहे हैं हम आपकी भी बात सुनेंगे, तो बिल्कुल हम आपके पास आ रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ है और प्रायोजित हंगामा हो रहा है यहाँ पर, जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का जवाब ना देना पड़े, कहीं ना कहीं से ये कोशिश यहाँ पर की गई है, इस कार्यक्रम को बाधित करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, ये पुलिस वाले भी डॉक्टर साहब के लगाए हुए हैं, इसीलिए इनको रोक नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस वाले सारे प्रशासन उन्हीं का लगा हुआ है, इसीलिए इन गुंडा तत्वों को ये रोक नहीं रहा है। मैं इसीलिए बता दूं कि 5 साल में जितनी गुंडागर्दी खेतड़ी में हुई है शायद मेरे हिसाब से राजस्थान में कहीं नहीं हुई यहाँ का है। लेकिन एक बार मैं आपको ये बात बता दूं
कि यहाँ जो 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 भी हो रहा है ये कार्यक्रम को बंद करने का ये प्रायोजित प्रोग्राम है, पहले से इन्होंने तय कर रखा था कि इस कार्यक्रम को बंद करवा दिया जाए। यहाँ का एसडीएम यहाँ का आप लोग एक बार बैठ जाओ और कार्यक्रम को चलने दें। आप लोग बैठे और कार्यक्रम को चलने दें। लोगों की दुकानें लूटी जा रही हैं। बिल्कुल हम जनता के पास आएंगे। आप लोग इस कार्यक्रम को चलने दें। सबके पास हम आएंगे। अगर आप विरोध में कुछ कहना चाहते हैं तो हम आपकी भी आवाज सुनेंगे। हम जो भी विरोध में भी कुछ कहना चाहते हैं हम सबकी आवाज सुनेंगे। आपकी भी आवाज पूरा राजस्थान सुनेगा। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ है। अपराध इस क्षेत्र में है, अवैध खनन इस क्षेत्र में बढ़ा है और इसी को लेकर सवाल उठा। सत्येंद्र कसाना साहब ने आवाज उठाई, जनता ने कहा अपराध को लेकर वो त्रस्त है, इस क्षेत्र में दुकानें लूट ली जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर हंगामा हुआ है, कार्यक्रम को बाधित करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तस्वीरें आपने देखा, अभी भी लोग अपनी जगह पर यहाँ पर बैठने को तैयार नहीं है। सत्येंद्र कसाना साहब, चूंकि आपकी स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर विरोध हुआ, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मैंने जो कहा था समझदार उसको समझ रहे होंगे। इस लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है और मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मेरी जान तो ली जा सकती है, मेरी अर्थी तो यहाँ से जा सकती है, लेकिन मुझे डरा के नहीं भेजा जा सकता। ये आवाज इधर से आई है, लेकिन हम प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर चाहेंगे। आप आगे नहीं आए, हम आपके पास आ रहे हैं। आगे कोई नहीं आए जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ सत्यनारायण के साथ क्या है, वो एक पंचवी की उत्तर दिखा दे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है, वो एक बहुत बड़ी वैसी चीज है और सत्यनारायण के साथ आप पंचवी जीत जाए तो मैं आपको गारंटी कर दूंगा और राज हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का राज रहेगा। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह नहीं जीते तो हम ये वादा करते हैं आपको, जनता चाहती है विकास किया है। सत्यनारायण जी जो बात कर रहे हैं वो टिकट से ग्रसित हो कर रहे हैं, विकास के हम विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। विकास के मुद्दे में क्षेत्रीय में जितना 5 साल में काम हुआ पिछले 50 साल में नहीं हुआ है, इस बात की गवाह क्षेत्रीय जनता है, क्षेत्रीय पूरी पब्लिक है। चलिए, अपराध के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ है, सत्येंद्र कसाना साहब ने आवाज सुनाई, एक प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से, उसके बाद विकास के मुद्दे पर हम आपके पास आएंगे। दाताराम जी, ये जिस तरीके से अपराध के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ है, सत्येंद्र कसाना साहब ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जितेंद्र सिंह के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि जनता त्रस्त है, दुकानें लूट ली जाती हैं, आए दिन यहाँ पर मर्डर हो जाता है, उसके बाद जो हंगामा हुआ आपने देखा, प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। ये जो सच्ची बात कही गई है, सच्चाई कड़वी होती है, स्वीकार नहीं की जाती, इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता है और डॉक्टर जितेंद्र नहीं आया है उसका भी यही कारण है। और ये इसे हाँ उलट करके इस कार्यक्रम को फैल करना चाहते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोगों की वजह से खेतरी का ये कार्यक्रम फैल नहीं हो सकता, जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। इस क्षेत्र में जितने भी बदमाशियां हुई है, जितने यहाँ मर्डर हुए हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो एक भी मर्डर को खोल के तो दिखाओ कम से कम। एक मिनट दाताराम जी, गुड़ा साहब आपने भी काफी संघर्ष किया है, एक प्रतिक्रिया, जो कुछ हंगामा हुआ, सत्येंद्र कसाना साहब ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोला, कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और कार्यक्रम को बाधित करने की यहाँ पर कोशिश की गई। देखिए, कांग्रेस जितने भी स्टी सीटर हैं अड़ोसी पड़ोसी प्रदेशों के भी, यहाँ तक हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के मोस्ट वांटेड लोग हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की टीम के अंदर है। आपको मैं बताऊँ, यहाँ कम से कम 100 मर्डर हो गए। मैंने कहा ना, आए दिन अकेले जसरापुर में इन्हीं बदमाशों ने वहां पर 4 लोगों का मर्डर कर दिया, इन्हीं लोगों ने यहाँ पर मेहाड़ा में 4 दिन पहले एक यादव का मर्डर कर दिया, इन्हीं लोगों ने एक अबला नारी को उठा करके वहां पर, जो बबाई है एक जिसकी 35 साल उम्र, उसको उठा करके ले जा करके पटक दिया, पुलिस उठा करके लेके आई और उसकी बुरी हालत के अंदर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मेडिकल मुआवजा नहीं कराया, पूरा गांव ने थाने को कह दिया, डीएसपी को कह दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी खेतड़ी जो है चंबल से भी ज्यादा यहाँ पर बदमाशों की पसंदीदा जगह है।
ये एक बड़ा स्टेटमेंट कहिए गुड्डा साहब का, चंबल से भी ज्यादा खतरनाक ये इलाका होता जा रहा है और जिस तरीके से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हमने कहा कि ये जगह बड़ी खूबसूरत है, देखने में बहुत सुंदर है, जब हम आ रहे थे तो काफी सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अपराध का लेवल यहाँ पर बढ़ा है, जिस तरीके से कसाना साहब ने आवाज उठाई, वो बताता है कि दरअसल इस सुंदरता कितनी ये सुंदरता खतरनाक है। फिलहाल आइए विकास के मुद्दे पर आते हैं, क्या इस क्षेत्र में विकास हुआ, क्या आम जनता से सीधे जानना चाहेंगे, क्या आप इस क्षेत्र में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। जितेंद्र साहब ने काम किया? पानी की समस्या। पानी की पीने को पानी बढ़िया मिलता है आपको? ना, खारा पानी। बिजली आती है? बिजली आती है। कितनी देर आती है? बिजली तो आती है 24 घंटे। पीने का पानी नहीं है, बिजली आती है ये कह रहा है। सबके पास आएंगे, सबके पास आएंगे। आप बताइए, पीने का पानी मिलता है, मीठा पानी मिलता है पीने को? हाँ जी मिलता है। बताइए। कोई पीने का पानी नहीं है, लाइट आती है सिर्फ 4 घंटे, 4 घंटे के अलावा फुल लाइट आती नहीं है। सही है। कुछ युवा साथी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, पीने का पानी आता है इस क्षेत्र में? यहाँ बिल्कुल भी पानी की व्यवस्था नहीं है, न लाइट की व्यवस्था है, और इस क्षेत्र का जो अस्पताल है उसकी तो ऐसी दुर्दशा इस मंत्री ने कर दी। मेरे भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि गुस्सा न करें, मंत्री का हम उसकी पोल दे रहे तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और इस हॉस्पिटल में अगर किसी के फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसको झुंझुनू रेफर करते हैं। एक बात मैं और आपको याद दिलाता हूँ कि सन 1886 में राजा अजीत सिंह जी के टाइम में यहाँ घुटने की सर्जरी हुई थी, और आज इस टेक्निकल जमाने में इस मंत्री ने इस खेतड़ी को खोखला कर दिया है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो ऐसी खेतड़ी की दुर्दशा उसने बर्दाश्त कर दी। हमें बिल्कुल ये सीधे तौर पर लोगों का आरोप है कि पीने का पानी नहीं है यहाँ पर, बिजली नहीं है, अंधेरे में ये क्षेत्र डूबा हुआ है, जबकि जिस जगह पर मौजूद है कॉपर, एक वक्त यहाँ पर देश का 75% कॉपर निकलता था, कॉपर का जो काम होता था उसे बंद कर दिया गया, क्यों नहीं इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा? सर मैं सबसे पहले तो कानून व्यवस्था पे आना चाहूंगा, जो वहाँ पे हंगामा हुआ कानून व्यवस्था के लेकर हुआ। यहाँ पे कानून व्यवस्था के नाम पे सबसे ज्यादा धज्जियां बीजेपी वालों ने उड़ाई है। या एमके घुमरिया जी है, एमके घुमरिया जी उनके डंपर चलते हैं, या एमके घुमरिया जी के डंपर दिन रात 24 घंटे चलते हैं। उनके भाई डीआईजी है, वो बीजेपी से टिकट के कैंडिडेट है। तो मैं बताता हूँ कि जो कानून व्यवस्था की जो धज्जिया उड़ाई है वो बात आपने कही। विकास हुआ क्या? विकास हुआ क्या? विकास सर, यहाँ 50 साल में जो 60 साल में जो विकास नहीं हुआ वो इन 4 साल में विकास हुआ। ये मैं लेकिन लोग प्यासे हैं, माइक छोड़ के बात करिए, लेकिन लोग प्यासे हैं, लोग प्यासे हैं, लोग अंधेरे में हैं। सर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो ढोल नगाड़े बजा के पोलो ग्राउंड में जो ढोल नगाड़े बजा के वो सरोज की सिंधे रैली में और आज से 5 साल पहले शामिल होते हैं अगर बीजेपी के हैं, और वो आदमी आज कोई झूठ बोलता है सबका खसाना उसी उसको देना चाहिए। प्रतिक्रिया हम सबसे ले रहे हैं, हम ये कार्यक्रम मेरी बात सुनिए, ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है और संभवतः गहलोत साहब भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, और हम मौका सबको दे रहे हैं, हम आपकी भी बात सुन रहे हैं, उनकी भी बात सुन रहे हैं, कार्यक्रम को आप सही से चलने दीजिए। सत्यनारायण किसाना मेरे गांव का है, सहीराम सुरेंद्र मेरा नाम है, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और कभी भी कांग्रेस वोट नहीं दिया इन्होंने, और ये पंचों ने छीटा। आपने अपनी बात रखी, आएंगे आपके पास एक बार फिर से हम आएंगे, लेकिन जरूरी है कि एक बार फिर हम नेताओं तक चले, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। विकास के और भी तमाम मुद्दे हम आप तक आएंगे, कार्यक्रम पूरे 1 घंटे का है, सबसे हम प्रतिक्रिया जानेंगे कि क्या वाकई इस क्षेत्र में विकास हुआ है क्या, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में क्या कुछ हुआ इसको लेकर सवाल उठा। जितेंद्र साहब इस कार्यक्रम में नहीं आए, हालांकि हम चाहते थे कि अगर आते तो जो आरोप लगाए हैं कसाना साहब ने सीधे तौर पर उनका जवाब देते। श्रवण साहब, जिस तरीके से यहां पर हंगामा हुआ, क्या यह हंगामा उचित था? और उसके बाद लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली यहां पर 3 से 4 घंटे आ रही है, कॉपर का जो पूरा काम चलता था उस काम को बंद भी किया गया, काफी हद तक बंद किया गया, कई बेरोजगारी उसके बदौलत यहां पर बड़ी, विकास कहां हुआ दिखता तो नहीं है? हंगामा तो कभी कभी जब गलत बात कही जाती है तो आक्रोश में होता है। यहां बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो है लोक जनशक्ति के,
सरकार की ओर से मैं प्रतिनिधि हूँ। सत्यनारायण जी तो कोई यहाँ कांग्रेस में कोई जानता ही नहीं कांग्रेस के है कि नहीं है, इसलिए इनकी बातों को इनसे फिर इनकी भाषा कितनी जैसे वो नालायक वो ऐसा वैसा, इसलिए इनके पास माइक मेरे पास आना चाहिए था कांग्रेस के नाम से। अब मैं निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, कुछ कहना है जनता का तमाम कमियां हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनता है, सवाल है, जनप्रतिनिधि है, जवाब लेंगे ब्रेक के बाद।